अच्छा बेटे, तो अब हमारे पास जो वायलेशन हो रही है वो इंडेक्स रूट पे हो रही है, ठीक है, जो जीरो है हमारे पास। अब उसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड निकालना है। लेफ्ट चाइल्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स रूट प्लस 1। राइट चाइल्ड क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स रूट प्लस 2 या फिर लेफ्ट प्लस वन, ठीक है। तो ये हमारे पास लेफ्ट और राइट चाइल्ड आ गए। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब यहाँ देखें जो रीप अप था ना उसके अंदर हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि हम लोगों ने एक नोड का एक ही हमारे पास पेरेंट नोड होती थी, मतलब हर नोड की एक ही पेरेंट नोड है। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास ना तीन हमारे पास सिनेरियोज आ जाते हैं। पहली चीज ये चेक करनी है कि जिस नोड के हम लोग देख रहे हैं डाउनवर्ड्स वायलेशंस देख रहे हैं, जिस तरह ये जो अब 3 है इसकी हम लोग डाउनवर्ड वायलेशंस देख रहे हैं, तो पहले हम लोगों ने ये देखना है, इसको इधर ड्रॉ कर लेते हैं, 3 7 5 0 1 2, ये रूट है हमारे पास और ये हमारे पास लास्ट है, ठीक है। अब जिस नोड की हम लोग डाउनवर्ड वायलेशंस जो हैं वो हम लोग रिमूव कर रहे हैं, पहले हम लोगों ने ये देख लेना है कि वो लीफ नोड तो नहीं है, उसका ये कोई चाइल्ड एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। अब सिंपल सी एक मैं आपको मिसाल देता हूँ, जिस तरह अगर हम लोग 7 का जो है लेफ्ट चाइल्ड निकालें तो वो क्या होगा, 1 टाइम्स 2 2 2 प्लस 1 3। अब इसका लेफ्ट चाइल्ड 3 आएगा। अब इंडेक्स 3 तो हमारे पास जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो वैल्यू हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि जो लास्ट वैल्यू एग्जिस्ट करती है उसका इंडेक्स 2 है। तो हमें 7 के लेफ्ट चाइल्ड पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो पहले ये देख लेना है कि हमारे पास जो है किसी नोड का लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। अगर लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता तो ऑफ कोर्स राइट चाइल्ड भी नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो पहली चीज़ ये चेक कर लेते हैं कि उसका लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं, और वो कैसे चेक करेंगे, इफ लेफ्ट इज ग्रेटर देन लास्ट, कि अगर वो हमारे पास जो हीप के अंदर लास्ट वैल्यू जिस इंडेक्स पे पड़ी हुई है लेफ्ट चाइल्ड उससे भी बड़ा हो जाता है, तो अब तो फिर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, उस नीचे डाउनवर्ड वायलेशन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो पहली चीज़ हम लोग ये चेक कर लेंगे कि उसका लेफ्ट चाइल्ड जो है वो हमारे पास कहीं जो लास्ट चाइल्ड है उससे भी बाहर तो नहीं है, दैट मीन्स वो हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो पहली चीज़ ये चेक होगी कि हमारे पास चेक इफ लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट, तो पहली चीज़ हम लोगों ने ये चेक कर ली। अगली चीज़ ये चेक करनी है कि हमारे पास जो है वो उसका राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं, क्योंकि ये भी हो सकता है ना, जिस तरह हमारे पास ये जो पहले वाला जो स्नैरियो था, ये वाला जो स्नैरियो है, अब यहाँ पे 7 है, इसका लेफ्ट चाइल्ड तो एग्जिस्ट करता है, राइट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास लास्ट जो है वो 3 होगा, इसका 7 का लेफ्ट जो है वो हमारे पास 3 आएगा, राइट जो है वो हमारे पास 4 आएगा, ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं कि इफ राइट इज ग्रेटर देन लास्ट, कि उसका राइट चाइल्ड जब ग्रेटर देन लास्ट होगा तो इसका मतलब है सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, राइट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब राइट चाइल्ड ही उसका एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम लोग ये कहेंगे कि जो मैक्सिमम चाइल्ड है वो हमारे पास लेफ्ट होगा, ठीक है। या इसको एक और तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं कि हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि जो मैक्स चाइल्ड है वो हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड है, ठीक है। और फिर हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर हमारे पास उसका राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये थोड़ा सा मैं इसको लॉजिक को चेंज कर रहा हूँ। हम लोगों ने एज्यूम किया कि हमारे पास सिर्फ जो है वो अगर उसका सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड है तो हम लोग कहेंगे कि वो मैक्स जो है वो हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड, तो एज्यूम किया कि मैक्स जो है हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड है। अब अगर हमारे पास उसका राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है कि वो या तो लास्ट के इक्वल होगा या लास्ट से छोटी कोई वैल्यू होगी, ठीक है। तो अगर हमारे पास उसका राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है तो फिर हम लोग कंपेयर कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो राइट चाइल्ड बड़ा है या लेफ्ट चाइल्ड बड़ा है। वो कैसे हम लोग कंपेयर करेंगे, इफ डेटा राइट इज ग्रेटर देन डेटा लेफ्ट, ठीक है। तो अगर उसका राइट चाइल्ड लेफ्ट चाइल्ड से बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्स इज इक्वल टू राइट कर देंगे। अच्छा, अब इस इन इन कंडीशंस को हम लोग दोबारा देख लेते हैं। हमने कहा कि मैक्स चाइल्ड जो है वो हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड है, ठीक है, ज्यूम कर लिया ये। अब फिर देखा लेफ्ट चाइल्ड अगर एग्जिस्ट करता है और राइट चाइल्ड भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड भी एग्जिस्ट करता है, राइट चाइल्ड भी एग्जिस्ट करता है, तो फिर लेफ्ट और राइट चाइल्ड को कंपेयर कर लिया।
अगर हमारे पास राइट चाइल्ड जो है वो लेफ्ट चाइल्ड से बड़ा है, अगर हमारे पास जो है वो ओके चेक किया कि अगर राइट चाइल्ड हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड से बड़ा है तो हम लोगों ने कहा जो मैक्सिमम चाइल्ड है, मैक्सिमम हमें क्यों चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम चाइल्ड से हम लोग रिप्लेस करेंगे, जो भी दोनों चिल्ड्रन में से जो भी बड़ा होगा उससे हम लोग जो है वो रिप्लेस करेंगे। तो हमने कहा अगर राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है और वो हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड से बड़ा है तो फिर हम लोग कह देंगे कि मैक्स चाइल्ड जो है वो राइट चाइल्ड है, ठीक है, कि राइट चाइल्ड वाला जो चाइल्ड है वो हमारे पास बड़ा है। अब यहाँ तक हम लोगों ने सिर्फ ये चेक किया है कि हमारे पास जो है वो बड़े वाला चाइल्ड कौन सा है, ठीक है, तो या तो वो लेफ्ट होगा या राइट होगा। अब ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है कि राइट चाइल्ड उसका एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम लोगों ने ऑलरेडी कहा हुआ है कि मैक्स चाइल्ड जो है वो लेफ्ट चाइल्ड है, या ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है कि राइट चाइल्ड जो है लेफ्ट चाइल्ड से बड़ा नहीं है, तो हम लोगों ने पहले का कहा हुआ है कि मैक्स चाइल्ड जो है वो हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड है, ठीक है। तो अगर हमारे पास राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है और वो लेफ्ट चाइल्ड से बड़ा है तो फिर हम लोग कहते हैं कि मैक्स चाइल्ड जो है वो हमारे पास राइट चाइल्ड है। तो यहाँ तक अब हम लोग ये डिसाइड कर चुके हैं कि इनमें से लेफ्ट और राइट में से बड़ा कौन सा है, और उसकी वैल्यू नहीं ली, उसका इंडेक्स लिया है हम लोगों ने। देखें जो लेफ्ट राइट मैक्स है इनमें सारों में हम लोग इंडेक्सेस जो है वो स्टोर करवा रहे हैं। अब हम लोगों ने क्या चेक करना है, अब वॉयलेशन चेक करेंगे, ठीक है। इफ चेक इफ करंट नोड इज स्मॉलर देन इट्स मैक्स चाइल्ड, ठीक है। तो अब ये चेक करेंगे कि जो करंट नोड है वो हमारे पास अपने मैक्स चाइल्ड से जो है वो बड़ी है या छोटी है। तो अब हम लोगों ने ये देखा था, अगर इसको थ्री के हिसाब से देखें तो हमारे पास रूट जो है वो हमारे पास ज़ीरो है, लेफ्ट चाइल्ड क्या हो जाएगा, टू टाइम ज़ीरो प्लस वन ये लेफ्ट आ जाएगा, ठीक है। राइट क्या हो जाएगा, लेफ्ट प्लस वन ये हमारे पास राइट आ जाएगा, और यही हमारे पास लास्ट के अंदर पड़ी हुई है वैल्यू, राइट भी टू है और लास्ट है वो भी टू है। मैक्स हम लोगों ने एज्यूम किया कि जो मैक्स है वो हमारे पास लेफ्ट है, ठीक है। अब कंडीशन चेक करना शुरू करते हैं, लेफ्ट इज ग्रेटर देन लास्ट, दैट मीन्स देखें उसका सॉरी लेफ्ट इज ग्रेटर देन लास्ट तो नहीं होना चाहिए ना, लेफ्ट इज लेस देन और इक्वल टू लास्ट होना चाहिए। ग्रेटर देन लास्ट का मतलब ये होगा कि वो हमारे पास लास्ट इंडेक्स से बड़ा है, तो इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू लास्ट, शुड नॉट बी ग्रेटर देन लास्ट। तो इफ लेफ्ट इज लेस देन और इक्वल टू लास्ट, तो इसका मतलब है कि वो लेफ्ट चाइल्ड जो है वो हीप का हिस्सा है, तो लेफ्ट जो है वो हमारे पास लास्ट से जो है वो छोटा है, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, दैट मीन्स उसका लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है। फिर देखा राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं, राइट चाइल्ड इज लेस देन और इक्वल टू लास्ट, तो फिर हम लोगों ने देखा कि राइट भी टू है लास्ट भी टू है, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर देखा कि लेफ्ट और राइट में से बड़ा कौन सा है, डेटा राइट हमारे पास जो है वो क्या है फाइव है, और डेटा लेफ्ट जो है वो हमारे पास सेवन है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो मैक्स के अंदर हमारे पास लेफ्ट ही रहेगा, ठीक है, लेफ्ट है लेफ्ट रहेगा। अब हमारे पास मैक्स चाइल्ड आ गया, तो अब वायलेशन कैसे चेक करेंगे, कौन बताएगा वायलेशन कैसे चेक करेंगे, बेसिकली थ्री और सेवन को कंपेयर करना है। जी बेटे सर, इफ डेटा जीरो इज ग्रेटर देन जीरो की जगह रूट भी लिख सकते हैं। जी सर, डेटा लेफ्ट, डेटा लेफ्ट, लेफ्ट की जगह हो सकता है राइट भी मैक्स हो, तो मैक्स भी लिख सकते हैं क्योंकि लेफ्ट और मैक्स सेम है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने देखा कि ये जिस नोड पे हमारे पास वायलेशन हो रही है, जो रूट नोड है, वो हमारे पास जो है वो मैक्स चाइल्ड से छोटी है जी। यहाँ पे डाटा रूट जो है वो डाटा मैक्स है, हमारे पास जो करंट नोड है वो अपने लेफ्ट साइड से या जो भी मैक्सिमम चाइल्ड था उससे हमारे पास छोटी है, ये ट्रू होगी। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों को स्वैप कर देना है, तो थ्री और सेवन को हम लोग स्वैप करेंगे। कैसे स्वैप करेंगे बेटे, स्वैप का फंक्शन सर यूज करेंगे, स्वैप का फंक्शन यूज करेंगे, स्वैप डेटा रूट एंड डेटा मैक्स, ठीक है, अपने जो भी उसका बड़ा चाइल्ड है उसके साथ उसको स्वैप कर देंगे। और फिर अब इससे डाउनवर्ड्स हम लोगों ने वायलेशन चेक करनी है, तो री हीप डाउन डेटा पास करेंगे, रूट क्या होगा, अब हम लोगों के पास थ्री इस जगह पे आ गया ना, पहले रूट इधर था,
अब हम लोगों ने यहाँ से डाउनवर्ड्स वायलेशन चेक करनी है, तो रूट में क्या पास करेंगे अब? थ्री पास करेंगे, थ्री का इंडेक्स। थ्री का इंडेक्स किसमें पड़ा हुआ है? सर मैक्स में। मैक्स में, शाबाश। और जो हीप जो है वो हमारे पास, उसका क्योंकि साइज चेंज नहीं हो रहा, तो लास्ट इंडेक्स उसका वही रहेगा जो हमारे पास लास्ट इंडेक्स था, तो लास्ट जो हमारे पास टू रहेगा। तो अब हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने कहा अब ये रूट है, ठीक है, ये हमारे पास लास्ट है, और हम लोगों ने दोबारा रीहीप डाउन के फंक्शन को कॉल कर लिया, एरे पास कर दी, रूट अब चेंज हो गया, जो अब थ्री जो है वो हमारे पास इंडेक्स वन जो है वो रूट वन गया। जी बेटा, अरे ये बता दे मैक्स में थ्री का इंडेक्स कैसे स्टोर होगा? देखिए सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओके, ये देखें हमारे पास जो है वो हम लोगों ने रूट से शुरू किया ना, तो रूट हमारे पास जीरो था, उसका मैक्स चाइल्ड निकाला, मैक्स हमारे पास जो है वो लेफ्ट आया, उसमें वन पड़ा हुआ था, ठीक है। पहले देखा लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, जी करता है, फिर देखा राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, जी करता है, फिर देखा इन दोनों में से बड़ा कौन सा लेफ्ट पड़ा, तो मैक्स में हमारे पास लेफ्ट पड़ा हुआ था, लेफ्ट वॉज वन, ठीक है। तो वन से डाउनवर्ड्स हम लोग वायलेशन को चेक करेंगे, ठीक है बेटे? तो मार्क कोई स्टूडेंट कंफर्म कर देगा मेरी आवाज आ रही है, आवाज और स्क्रीन? यस सर, यस सर, विजिबल है। ओके ठीक है, तो अब जब हम लोग रूट जो है जब हमारे पास थ्री बन जाएगा, फिर दोबारा इस फंक्शन पे आएंगे, इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा हमारे पास? वन इंटू टू, टू इंटू वन, टू प्लस वन, थ्री हो जाएगा, राइट जो है फोर हो जाएगा, और मैक्स को हम लोगों ने कहा थ्री है। अब देखा लेफ्ट इज लेस देन और इक्वल टू थ्री, लेफ्ट हमारे पास क्या आया? हमारे पास थ्री आया था, थ्री इज लेस देन और इक्वल टू लास्ट, लास्ट में टू पड़ा हुआ है, तो थ्री इज लेस देन और इक्वल टू लास्ट फॉल्स हो जाएगा, तो हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास थ्री का आगे लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा।